अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम सजाद इम्तियाज है और आज मैंने कहा क्यों ना जाके तो अपना जिम दिखाया जाए। तो बस अभी जा रहा हूँ, पहले मैं रेट्रो जाता था उसका, आई थिंक पहले एक से चार व्लॉग के अंदर मैंने वो जिम दिखाया हुआ है, लेकिन अभी ये जिम में पिछले कुछ टाइम से आ रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आज जाके अपना वर्कआउट जो है थोड़ा सा दिखाया जाए, साथ थोड़ा सा जो है जिम के अंदर से दिखाता हूँ। तो बस अंदर जा रहा हूँ अभी। अच्छा जी, ये जिम जो सा है दूसरे जिम से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर शुरुआत में ही इन्होंने कार्डियो मशीनें रखी हुई हैं और उसके बाद वहाँ पीछे जो है वेट ट्रेनिंग का सेक्शन है, पीछे फ्री वेट्स हैं। यहाँ पर ज़्यादातर दूसरी वर्कआउट मशीन्स हैं, जैसे कि चेस्ट हो गया, बैक की वर्कआउट हो गया, लेकिन उधर अंदर वाले सेक्शन में फ्री वेट है, जहाँ पर अभी बाद में जाऊँगा। पहले मैंने कहा क्यों ना लोकर में अपना जो है सामान रखाऊँ, उसके बाद जाके देखते हैं। लोकर जो है पानी वाली बोतल खाल लेके जानी, पहले बैग अंदर आ देता हूँ, ये उठानी लाजमी है। अच्छा जी, ये सेक्शन अभी मैंने पहले दिखाया है, तो यहाँ पर वैसे मशीनें पड़ी वर्कआउट के, लेकिन मैं अभी फ्री वेट करनी है ट्रेनिंग, तो आज चेस्ट डे है तो मैं कल जाके जा कर दूँ। तो पहले ये डिक्लाइन चेस्ट प्रेस करना है, किसी का पानी गिरा हुआ है। अभी जो है बार का वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो अभी वेल ही नहीं है बार जो है, तो बस अभी इंतज़ार करना पड़ना खाली होने का, उसके बाद जो है वर्कआउट शुरू होना है फिर। सो फाइनली बार मिल गई है और अभी जो है वर्कआउट जो है शुरू करने लगूँ। इसके करके सेट जो से हैं तकरीबन चार सेट करने हैं इसके। अच्छा, ये डन हो गया। ये पानी जो है ऊपर से छत चोने लगी हुई है, इस वजह से किसी का पानी नहीं गिरा हुआ यहाँ पे। तो अभी जाके ये अभी हाली नहीं हुआ, ये आज करना नहीं है, ठीक है। तो स्मिथ मशीन है सारी, उनका फ़ायदा कोई नहीं होता वर्कआउट करने का। तो अभी यहाँ पर चेस्ट प्रेस लगाऊँगा और उसके बाद देखते हैं। सो इवन दो के जिम इंडोर है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नेचुरल लाइट का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ यहाँ पर है। फिर वो एक ऊपर लगाया हुआ उन्होंने, जिससे कि आपको सूरज की रोशनी मिल सकती है। बाकी मैं इधर जो है थोड़ा सा इनके एहतियात से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं शो नहीं करना चाहता, क्योंकि इन लोगों की प्राइवेसी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ना है। यहाँ पर बहुत मेल और फीमेल दोनों ही वर्कआउट कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की प्राइवेसी भी ख़राब हो। सकते जितना यानी कि दिखाने के काबिल होता दिखा दूँगा, क्योंकि अगेन ड्रेसिंग का भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि औरतें ज़्यादातर यहाँ पर बरहना ही होती हैं, नंगी होती हैं। वर्कआउट के अंदर कपड़े उनके होते नहीं हैं, बंदे फिर कपड़े पहन के आ जाते हैं, लेकिन औरतें वर्कआउट के नाम पर सिर्फ अपना जिस्म दिखाने आते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब होगा वो सेक्शन वीडियो के अंदर डालना। तो बाकी अभी जो है चेस्ट प्रेस लगाने लगा, मैंने डिक्लाइन प्रेस लगा लिया आज चेस्ट का, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वर्कआउट डे है। तो अभी 45 से मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, वार्म अप है मेरा चेस्ट प्रेस के लिए बेसिकली, और उसके बाद फिर अगेन ज़्यादा वेट करेंगे, और फिर जब यहाँ से हो जाएगा फिर उसके बाद इंक्लाइन लगाना है। इंक्लाइन लगा के तो फिर बाहर जाके बाकी देखता हूँ मैं। सो फाइनली अभी इंक्लाइन वर्कआउट करने लगा, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा बिजी है, मोस्टली इतना बिजी होता नहीं है, पता नहीं क्यों आज इतना मंडे को बिजी है। मोस्टली शाम के टाइम भी इनका रश काफ़ी होता है, लेकिन अभी बस यहाँ से इंक्लाइन करके तो फिर बाहर जाके तो देखते हैं कौन सी मशीन अवेलेबल है, फिर उसके हिसाब से करें, क्योंकि अगेन सुबह के टाइम पे मोस्टली हाल ही होता है जिम, और अभी आज इधर बहुत ज़्यादा ही रश है। पहले जो सा वर्कआउट करने के लिए 5-5 मिनट 10-10 मिनट वेट करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी अनयूजल है इस टाइम के हिसाब से। तो है अभी इधर से निकल के तो बाहर जाऊँगा, तो बस अभी इधर से निकल रहा हूँ और अभी बाहर जा कर जो है तो देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर सिर्फ मशीन पड़ी है, फ्री वेट सारा उस तरफ अंदर की तरफ था, तो अभी बस इधर से चल के देखते हैं। यहाँ पर सारा इन्होंने रखा हुआ, ये ट्राइसेप के लिए था, यानी कि ये आगे शोल्डर की हैं, इस तरफ सारी ये लेग्स की पड़ी हुई है। तो अभी ये फ्लाइज का वर्कआउट करने लगा, ये भी चेस्ट के अंदर ही आता है, तो बस इसे करके तो आई थिंक मेरा वर्कआउट डन हो जाए। अच्छा जी, ये सामने सारा ये बैक के जो से वर्कआउट की मशीनें पड़ी हुई हैं, इस तरफ भी सारी बैक वर्कआउट ही हैं, बस यहाँ पर ये फ्लाइज की पड़ी हुई मशीन, इस तरफ साइड पे भी जो है यही मशीनें हैं, लेकिन वो बैक के लिए भी यूज़ होती हैं। तो हैर बस ऑलमोस्ट जो है ये वर्कआउट डाउन होने वाला है, तो एक दफ़ा डन होकर भी बाइसेप करने हैं और उसके बाद जो है कार्डियो करके फिर सोना में जाना है। तो बस इसे खत्म कर लूँ फिर चलता हूँ मैं। अभी ये बाइसेप कर्ल करने लगूँ, लेकिन ये मशीन के इन्हें जो सा रिपेयरिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो है अभी यहाँ से बाइसेप करके फिर कार्डियो के लिए वहाँ सामने जाना है, उधर पीछे
और उसके बाद सोहाना की तरफ जाएंगे। तो सोहाना भी इधर पीछे लॉकर रूम की तरफ ही है। बाकी ये कंप्लीट ओवरव्यू है एक तरह से जिम का ना। वहाँ पीछे से मैं कर रहा था अपना कहते हैं बाइसेप कर्ल्स, तो आज बस इतना ही करना है और उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ जाके तो कार्डियो करना है। तो इधर स्पिनिंग क्लास इधर साथ ही है, वहाँ पर जाके तो थोड़ी साइकिल चलाते हैं, साइकिल चला के फिर निकलेंगे इधर से। ये आ गई इधर की स्पिनिंग क्लास, ये खाली रहती है ज़्यादातर, तो यहाँ पर इतना मसला नहीं होता, बंदा जब मर्जी आए ये वेली होनी है। तो इधर एंड पे जाके तो अपना वर्कआउट करते हैं, ये वाली पे ये कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं वर्कआउट जो है शुरू करूँ इधर साइकिल के ऊपर, तो मैंने कहा बता दूं कि बाइसेप के साथ जो चेस्ट के साथ बाइसेप, बैक के साथ ट्राइसेप, शोल्डर के साथ बाइसेप और फिर जो है लेग्स के साथ ट्राइसेप, ये कंटिन्यूसली जो है बंदा यानी कि करी जाए तो फिर बाजुएं ज़्यादा बड़ी होती हैं और उसका मसल भी जो सा ना यूज़ टू नहीं होता, थोड़ा मसल शौक में रहता है और जब बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट आता है आपके बाजुओं को, इनके जो बाइसेप ट्राइसेप हैं वो जल्दी बड़े होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पहले भी यानी कि जब पहले बॉडी बिल्डिंग की थी उस टाइम पर भी मैं यही अपनाता था और उस टाइम से यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनके मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ था। तो अभी दोबारा सेम रूटीन शुरू कर रहा हूँ, इवन दो कि अभी जो है पहला दिन है रमज़ान के बाद, तो मैंने कहा कोई नहीं अभी जा कर दोबारा वर्कआउट शुरू करते हैं और फिर यहाँ से निकल के तो फिर सोना की तरफ जाएंगे। सो कार्डियो जो है मैं 15 मिनट का करता हूँ मोस्टली, जो है 10 से 15 मिनट के अंदर काफ़ी रहता है। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे और दोबारा लॉकर में जाके तो सोना सूट पहनना है, उसके बाद फिर सोना में जाके तो तकरीबन 15 से 20 मिनट सोना में लगा के तो फिर हमारा वर्कआउट डन हो जाना है। तो आज का बस इतना ही था। बाकी ये सेक्शन जैसा लायन किंग मूवी में कहते हैं कि जहाँ तक सूरज की रोशनी है वहाँ पे वर्कआउट करना चाहिए, लायन किंग का मीम है मूवी के अंदर, वो कहता है कि जहाँ तक सूरज की रोशनी है वहाँ तक अपनी हुकूमत है और जहाँ पे नहीं पड़ी, जहाँ जो है साया होता है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो इस वक्त मैं सायेदार जगह में हूँ, देख भी सकते हैं कि बाहर जो है रोशनी है और बाहर रश कितना है और यहाँ पर मैं अकेला ही जो है लगा हूँ। तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया और यहाँ पे भी यानी कि एक मिनट और करना है, फिर इधर से मैं भी जो है इस जगह से निकल कर दोबारा रोशनी की तरफ चले जाना है। सभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ तो अभी अंदर जाके तो पहले सोना सूट पहनता हूँ उसके बाद जो है मिलता हूँ। अच्छा जी, अपना सोना सूट निकाल लूँ बीच में से, तो ये अभी थैला पहन के तो सोना में जाना है, तो इसे बस पहनने लगूँ। जा रहे हैं इधर जाके पहनते हैं। अच्छा जी, ये पहन लिया, अभी बेसिकली बैगी है काफ़ी, क्योंकि अगेन इसके अंदर जो है पसीना सारा इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे आ गई ये सारा भर जाना है। तो ऊपर से जो है साइज़ अगर छोटा लेंगे अपना एक्चुअल साइज़ लेंगे तो फिर वो पूरा नहीं आता, फिटिंग जोन सी है क्योंकि रिप करने का इसका भी इनके फटने का खतरा होता है। तो अगेन प्रिस्क्राइब नहीं है सोना के लिए, लेकिन मैं इसलिए पहन लूँ क्योंकि ज़्यादा इससे इफेक्ट आता है आपका, जल्दी जो वेट लॉस होता है उसके ऊपर। ये मैंने दोबारा से अपनी टी शर्ट पहन ली है और अब बस मैं निकल रहा हूँ जाके पानी की बोतल उठानी है, क्योंकि सोना के अंदर पानी लाजमी है। ये खुला ही रह गया था, ये रही मेरी बोतल, तो अपना डंबल उठा लिया पानी का और अब मैं बस यहाँ से निकलने से बंद करते हैं और चलते हैं इधर से, एक्चुअली पिछली साइड से चलते हैं ताकि पूल भी दिखा दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारे शावर हैं और इधर से जा रहे हैं, इधर एम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि साथ वाला दरवाज़ा जो है औरतों का है, तो ताकि वहाँ पर कोई ना जाए, साथ ही वुमन लिखा हुआ है। और ये आ गया है पूल, तो बस अभी जो है ये स्टीम रूम था इन्होंने बंद कर दिया, सोना में लगता रश लगा हुआ। सो मैंने कहा थोड़ा सा ये दिखा दूँ, इस वक्त मैं आग के बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ, खाली हुआ था थोड़ा सा इससे पहले कोई बैठे, तो अच्छा स्पोर्ट्स के लिए। बाकी इधर यहाँ पे बैठने के लिए बनाया हुआ इन्होंने, तो बस बिल्कुल खड़े होके तो जो सा अपना बारबेक्यू बना रहा हूँ मैं ताकि हीट सीधी पड़े। अंदर से मैं निकल रहा हूँ, बाहर जो है इस वक्त यानी कि सोना से काफ़ी ज़्यादा पसीना आ चुका है, तो अब मैं दिखाता हूँ। पानी की पूरी बोतल जो है ख़त्म कर ली अंदर बैठे बैठे ही, क्योंकि अगेन हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिर गई है बोतल, खैर अंदर रश पड़ गया तो ऊपर से फ़ोन ओवर हीट हो गया, जिसकी वजह से जो है फ़ोन एकदम वो जो क्लिप है वो कट गया बीच में, तो उसे मैं पूरा नहीं कर सका। खैर अभी दिखाता हूँ कि सोना सूट का फ़ायदा करता ही है, सारा इस वक्त पानी इकट्ठा हो गया, पानी तो नहीं पसीना है इसको, ये तकरीबन एक कप जो है पूरा निकला पसीने का, अभी भी काफ़ी है बीच में, तो वही इसको खाली करना पड़ना है। अभी पसीना गिरा दिया, इसको थोड़ा फ्लश कर देते हैं
ताकि पसीना जो नीचे गिरा है वो सारा जो है निकल जाए, वो भी यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली निकले अंदर से, सोना से निकल के काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है। ओबियसली अभी सूट भी पहना हुआ है तो उतारूंगा उसके बाद ये पसीना रुकने के। सूट इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो चुका है। तो ये व्लॉग मेरे ख्याल से यहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। अभी दोबारा से रेगुलरली जो है व्लॉग्स आएंगे, दोबारा से ट्रैवल व्लॉग आएंगे, कुछ अबैंडन लोकेशन के आएंगे, कुछ हाइकिंग के आएंगे। तो अगेन अगर वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।